नमस्कार, उजंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम हिस्ट्री के एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। और आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वो देखने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं कितनी महत्वपूर्ण है और यूपीएससी कैसे सवाल पूछता है, नोट्स कैसे बनते हैं। तो आज हम सारे पिछले जो सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी में, उनकी आज बात करेंगे और देखेंगे यूपीएससी सवाल किस तरीके से पूछता है। ये दिमाग में रखना है हम लोगों को कि हमें अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी है, ताकि हम लोग जब नोट्स बना रहे हों, और ये सवाल मैंने प्री के लिए लिए हुए हैं, यानी प्री में किस तरीके से सवाल यूपीएससी पूछता है। इतने टफ नहीं आते जितना आप सोचते हो और जितना आप समझने की कोशिश करते हो, और फिर इधर उधर की हड़बड़ी। देखिए कितना आराम से सवाल निकलते जाएंगे, आपको लगेगा कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन वो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने क्लासेस बहुत अच्छे से ली होंगी, समझा होगा चीज को, क्या कहने की कोशिश की जा रही है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं कि आज हम मैं खासकर हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आता हूँ, ताकि आपको हर दिन कुछ नया पढ़ने के लिए मिले। आज हम बात करेंगे कि जब भी यूपीएससी में रिवोल्ट्स की बात होती है या आंदोलन की बात होती है, फिर होती है दूसरी चीज जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, यानी एक रिवोल्ट हो गया, एक क्रांति, इसको हम क्रांति कहेंगे, एक आंदोलन। तो इन क्रांति या आंदोलन और जो उसमें फिर एजिटेशंस होता है, क्या वो तेज था, नरम था, गरम था, जो कुछ भी था, तो यूपीएससी हर साल एक प्रश्न या एक से ज्यादा प्रश्न आपको क्रांति या आंदोलन से पूछता है। वो रिवोल्ट हो गए, वो मूवमेंट हो गए, इनसे सवाल आएगा। अब जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं तो दिखाने के लिए, 2011 में यूपीएससी ने सवाल पूछा। ये सवाल जो था, ये इन्होंने आंदोलन से लिया था, ये क्रांति से नहीं आया था। क्रांति से भी आता है वैसे, उस बार 2011 में क्रांति से नहीं आया, आंदोलन से पूछा। सवाल को जरा देखेंगे और सवाल को करने की कोशिश करेंगे, पहले समझेंगे सवाल क्या कहता है, और इसके नोट्स भी बना देंगे आप साथ साथ। कहता है कि जब, अभी मैं इसका विश्लेषण भी यहीं पे कर रहा हूं, कि हमारे यहाँ पे एक मूवमेंट चली, जिस मूवमेंट को हम क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिखेगा क्विट इंडिया मूवमेंट। अब मैं इसको हिंदी में बताऊंगा, क्विट इंडिया मूवमेंट होती है भारत छोड़ो आंदोलन। जब शुरू हुआ, क्या नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, यानी 1942 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और ये कह दिया गया कि अब भारत जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर नहीं रहेगा, और सारे जितने भी लीडर थे, जो लोग भी थे, उन्होंने गांधी जी की इस बात को का सहयोग किया। वो लोग जो उस समय गांधी जी के साथ नहीं भी थे, वो भी जुड़ गए, क्योंकि अब ये था कि गांधी जी ने क्लियर कर दिया कि अब हमें ये आंदोलन करना पड़ेगा। ये आंदोलन आपको याद होगा, जब हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, तो एक असहयोग आंदोलन हुआ था, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो। फिर एक और आंदोलन हुआ जिसको हम कहते हैं सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के बाद जो है साल्ट मार्च जिसे कहते हैं, मूवमेंट हो गई। फिर तीसरे नंबर पे आता है, और ये सबसे लास्ट पे था, और इसके बाद आजादी मिल गई। क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे अच्छी चीज ये रही कि इसमें हर एक वर्ग के लोग ने इसमें सहयोग किया, जैसे हमने बाकियों में भी देखा इसमें। लेकिन ये मूवमेंट जो थी, ये बाकी मूवमेंट से, यानी कि बाकी जो क्रांतियां हुई या आंदोलन हुए, उनसे अलग है। उसके पीछे एक मुख्य कारण था, एक जो आपको याद रखना है, ज्यादातर इसमें मगअप नहीं करना है उतरी तरह की, वो ये था कि गांधी जी ने ये कहा था कि डू आर डाई, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछता है, डू आर डाई, करो या मरो। याद करिएगा, जब मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, तो
मैंने कहा था कि गांधी जी हमेशा सत्य की बात करते थे और गांधी जी हमेशा कहते थे कि कोई भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए, लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, सब कुछ नहीं, काफी सारी चीजें उन्होंने बताई थी। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं कि गांधी जी ने ये जो स्लोगन दिया, ये नारा जब लगा कि अब भाई करो या मरो, तो इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों ने इसको क्या समझा। लोगों ने क्या समझा वो तो बात की बात है, लेकिन गांधी जी ने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, जैसे ही गांधी जी ने ये बोला करो या मरो, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाल दिया गया तो क्या होता था कि जब भी गांधी कोई मूवमेंट करते थे या गांधी जी कोई भी आंदोलन करते थे, जब उनको जेल में डाल दिया जाता था, वो आंदोलन बहुत नीचे चला जाता था। हमने यही देखा था असहयोग आंदोलन में, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी यही हुआ, गांधी चले गए तो मूवमेंट जो है वो गिर गई, आंदोलन जो है नीचे आ गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार का ना होने का कारण अगर आपसे कोई पूछेगा वो ये था कि गांधी बोलते चला गए कि भाई अब करो या मरो। और जब गांधी जी जेल चले जाते हैं तो अब सवाल ये उठता है कि फिर इस मूवमेंट को चलाया किसने? भाई ये मूवमेंट लोगों ने खुद ही चलाई। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में कोई लीडर था ही नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट में सब लीडर थे, क्योंकि गांधी जेल हो गए लेकिन बोल के चले गए जो बात उस समय लोगों को चाहिए थी। तो कुल मिला के बात ये आती है कि भाई डू आर डाई, करो या मरो, एक ऐसा शब्द जो उनके मुंह से निकला उसने पूरी स्वतंत्र को, उसने पूरी आजादी के नक्शे को बदल के रख दिया। और सवाल यूपीएससी इसी पे किया, यूपीएससी 2011 में सवाल किया था इसमें से कौन सी चीज जो है वो नहीं है, और अक्सर ये वोट डाल देता है नॉट, नहीं है, सही। भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में से इसमें से कौन सी चीज आपको सही नहीं लग रही है? पहली चीज, ये एक ऐसी आंदोलन था जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं भागदौड़ थी, लड़ाई थी, झगड़ा था, ये एक। लेकिन हमें सवाल देना है कि नहीं था, नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये बात जो है वो सही है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा अहिंसा हुई क्योंकि गांधी जो बोल चुके थे। तो पहला पॉइंट ऐसे निकालते हैं हम लोग। दूसरा कहते हैं कि ये मूवमेंट, ये जो दो शब्द देखिएगा कैसे यूज, कहता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत की वो तो गांधी ने की, लेकिन गांधी ने जो की उसके बाद गांधी जेल हो गए, तो क्या गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाई? लेड होता है चलाना, तो इसका मतलब है गांधी जी ने ये मूवमेंट नहीं चलाई। तो ये है हमारा, यहाँ पे कहते हैं ये नॉट है, ये नहीं है, इसका मतलब उसने नहीं माना है। तो आंसर हमारा बी होगा। सी, ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें सब लोग आए, ऑफ कोर्स आए, मैंने बता दिया। इस मूवमेंट में लेबर क्लासेस ने को अट्रैक्ट नहीं किया, सबको किया जनरल में। तो आंसर हमारा इसमें से बी है, ये गलत है, गांधी जी इस मूवमेंट में थे ही नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा और उसके बाद जेल चले गए। अब कितनी सी छोटी सी बात हमें याद रखनी थी और हमारे 2 मार्क्स हाथ में होते। तो आंसर इसका बनता है बी। अब याद रखिएगा कि यूपीएससी सवाल जो करता है वो पूछता है इसमें से कौन सी चीज नहीं थी और इसमें से कौन सी चीज थी, आपको थी और नहीं थी में ये सब कुछ करना है। 2011 यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया। मुझे उम्मीद थी कि अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाया जाता, सोचा जाता, तो ये उत्तर देना इतना ज्यादा बड़ा नहीं है और 2 मार्क्स लेके बंदा निकल सकता है। अब आप सोचो कि आपको तैयारी के टाइम क्या चीजें, मैं हमेशा आपको जब वो पढ़ा रहा होता हूँ, जब भी वह बुक दिखा रहा होता हूँ, मैं आपको की पॉइंट, आप एक की था, डू आर डाई, बस अगर वो बंदे के पास होता उत्तर दे देता। लेकिन फिर वही बात आती है सर, बड़े बड़े नोट्स रखेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2011 का सवाल दिया है, होप आपका क्लियर हुआ। 2011 में ही यूपीएससी ने फिर से एक बार हमसे सवाल पूछ डाला और सवाल इस बार पूछा था उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से ऊपर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग अगर लाइव क्लास होती तो शायद आप कर लेते। मैं थोड़ा सा अपना ये नीचे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरह मैं क्वेश्चन को आप देख पाए। हाँ अब ठीक है, अब देखिए सवाल है
कि इसमें से कौन सी, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, दो बार पढ़ लें, तीन बार पढ़ लें, आराम से पढ़ लें, ठंडे दिमाग से पढ़ लें, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, की पॉइंट निकालते हैं। विच यानी कौन सी अमंग इसमें से फॉलोइंग जो दिए गए हैं, प्रोवाइडेड जो हमें दिया गया है, कॉमन फैक्टर था ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। ट्राइबल यानी अब इसको मैं इस तरीके से गोल कर लेता हूं, ये पिछड़ी जाति के ऊपर सवाल कर रहा है, पिछड़ी जाति के सवाल कर रहा है, इसमें से कौन सी चीज जो थी पिछड़ी जाति को जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Which among the following provide a common factor for the tribal insurrection in India in the 19th century? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी, कॉमन कॉमन पूछ रहा है, ट्राइबल पिछड़ी जाति को, जिसकी वजह से 19वीं सेंचुरी में उन लोगों के साथ बहुत मुसीबत हुई और फिर उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। आए जरा देख लेते हैं। सर मुझे यूपीएससी ये कहता है कि उन्होंने इसलिए सब कुछ किया क्योंकि वहां पे इंट्रोडक्शन न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्स ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट, याद करिएगा क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल एंड डीक्यूज, जहां में मैंने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ाया था कि उनके ऊपर नया कानून संशोधन किए गए, नए कानून यानी कि आपको लैंड पे भी टैक्स देना है, आपको प्रोडक्ट जो है उन पे भी टैक्स देना है, शायद ये हो सकता है मे बी। उनके ऊपर फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज, यानी कि जो बाहर से अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ी की, याद करिएगा। राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लैंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, जो बड़े बड़े जमींदार थे, ट्रेडर्स थे, फार्मर्स थे, मिडलमैन थे इन ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज में उन्होंने किया। अब हाँ, इसको मैं एक वर्ड जो है ना, मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ, आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, जैसे आपने ऊपर का क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो इसको भी आप समझ पाए। हाँ, इंसरेक्शन को भी विद्रोह कहते हैं, इसको भी विद्रोह ही कहते हैं। मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपको दिखाने, देखें एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज कॉमन थी जिसकी वजह से विद्रोह कर दिया ट्राइबल्स ने, यानी कि पिछड़ी जाति ने? तो क्या आपको लगता है कि फॉरेन लोगों ने उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ी की? फिर ये नंबर ऑफ जो बड़े बड़े जमींदार थे, ट्रेडर थे, उन्होंने उनको जा जा के तंग करना शुरू कर दिया। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड एग्रीगेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, जो पहले वो करते थे जैसे मजदूरी, जो कुछ भी मन था उनका करने का वो बदल के रख दिया। तो अब यहाँ पे उत्तर आपका क्या होना चाहिए, आपको ऐसा क्या लगता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सारे सही हैं। सबसे पहले ये चीज है कि उन्होंने जो आते आते उनके ऊपर इंट्रोडक्शन न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्स लगाना शुरू कर दिया, आपको ये भी लग रहा होगा। फिर आप बोलते हैं सर उन्होंने ना उनके ऊपर रिलीजियस मिशनरीज कर दी बहुत ज्यादा ट्राइबल एरियाज के ऊपर, यानी कि उनको धर्म परिवर्तन की बात की गई। लार्ज नंबर ऑफ मनी लैंडर्स और ट्रेडर जो है वो मिडलमैन जो है जमा हुए, उन्होंने तब उनको तंग किया, ओल्ड एग्रीगेरियन सिस्टम को बदल के उन्होंने उनको तंग कर दिया। लेकिन ये कॉमन ढूंढ रहा है, कॉमन यानी देखें कितने सारे, मैं अगर आप देखोगे तो आपको लगता है ये चारों सही है क्योंकि चारों चीजें उनके ऊपर की गई। सही उत्तर डी है, ये इसलिए है। अब समझिएगा क्यों ये ऊपर वाली चीजें क्यों नहीं हुई, डी क्यों हुआ। उन्होंने वहां पे आके सबसे पहले क्या किया होगा, सोचने वाली बात है। आते आते तो उन्होंने न्यू सिस्टम नहीं लगाया था, आप बुक देखें क्लास 8 एनसीईआरटी, उन्होंने क्या किया, आते आते उन्होंने ओल्ड एग्रीगेरियन ऑर्डर था। ओल्ड क्या था, ओल्ड ये क्या करते थे, ये फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट में से ही ये अपना फूड निकालते थे, फॉरेस्ट में ये हंटिंग करते थे, फॉरेस्ट में जाके गैदरिंग भी करते थे। याद करिएगा ये क्लास 8 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये अननेसेसरी इन्होंने दिया, ये सवाल क्लास 8 के एनसीईआरटी। आते आते उन्होंने कहा कि भाई देखो आप लोगों को ये काम बंद करना है। कौन सा काम बंद करना है? उन्होंने बोला कि ये जो आप कर रहे हो ना ये सारा काम बंद है, आपसे जितना भी जंगल है ना
वो अंग्रेजों का होगा। इसका मतलब है उन्होंने डिस्टर्ब किया यानी कि बदला उनका तरीका जो ओल्ड था। ओल्ड क्या तरीका था? जो जंगल में रहते जंगल में सामान ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, और उसके बाद जब बदला उसके बाद हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर न्यू सिस्टम लगाया गया, फिर उनके ऊपर उनके धर्म परिवर्तन की बात की गई, फिर उनके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े लीडर। तो ये तीनों चीजें हुई उनके ऊपर, लेकिन पहले कौन सी हुई? तो आते आते उनके ऊपर चेंज कर दी। देखिए अब आप लगेगा सुहेल सर ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो अगर चेक करना होगा 2011 का सवाल है, क्लास 8 की एनसीईआरटी आपके पास है, चैप्टर नंबर जो है मैं यहीं से दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ पाए, चौथा क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर चौथा, जहाँ पे लिखा है कि आते ही बिरसा के यहाँ पे जंगलों में उन्होंने उनको निकाल दिया और जंगलों को तीन हिस्सों में बांट दिया और जंगलों में ये कहा कि तुम्हें इजाजत नहीं है यहाँ आने की, यानी उनकी कम्युनिटीज को छेड़ा गया। इसीलिए बार बार कहता हूँ वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों चीजें सही, लेकिन कॉमन स्टार्ट कहां से हुआ? शुरुआत। तो जो शुरुआत कहां से हुई? जब उनको उन्होंने कहा कि तुम पुराने तरीके से अब काम नहीं। आगे चलते हैं, थोड़ा इजी होता है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है मूवमेंट से, फिर से मूवमेंट से ही सवाल है, 2013 में पूछा गया है। वैसे सवाल जो है काफी सारा जो है मूवमेंट से पूछता है, यानी कि मैंने अभी बताया एक तो या क्रांति से पूछेगा या आंदोलन से पूछेगा। ये कहता है कि बंगाल में एक मूवमेंट हुई, द डिमांड फॉर तिबाका पीजेंट, यानी कि पीजेंट मूवमेंट हो गई, यानी किसानों की एक जो है आंदोलन हुआ बंगाल में, किस चीज के लिए हो रहा था? बस इतना देखो, ये चीजें मैं आपको बार बार बोलता हूँ, घिसाड़ के उसके अंदर उसे किस चीज के लिए हुआ। बड़ा अच्छा था, बड़ा इजी आंसर था, बट पता नहीं उस समय के लोगों ने लिखा होगा। रिडक्शन चाहते थे कि जो हमारा शेयर है, उस समय शेयर के ऊपर बात होती थी, रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम वन हाफ ऑफ द क्रॉप टू वन थर्ड कर देना चाहिए, यानी 1/3 कर देना चाहिए, ठीक है। ग्रांट ऑफ ओनरशिप वेंट टू पीजेंट एंड दे वेयर द एक्चुअल, यहाँ पे जमीनें जो हैं वो पीजेंट्स लिए किसानों के नाम पे कर देनी चाहिए, ये इस मूवमेंट का मेन मकसद था। जब स्टैंडर्ड आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद अपरूटिंग ऑफ द जमींदार सिस्टम है एंड ऑफ द सेवन, यानी कि जमींदारी सिस्टम को खत्म ही कर दो, जो ये जमींदारी बना हुआ है महलवारी वो चक्कर वाला जो था सर्व, यानी इन लोगों ने बड़े बड़े जमींदार हमने तंग करते हैं उनको खत्म कर दिया। राइटिंग ऑफ ऑल पीजेंट्स, जो पीजेंट्स का जो खाता शाता है उसका एक प्रॉपर बनना चाहिए कि देखा दिया कितना लिया कितना। देखो भाई आंसर बड़ा सिंपल सा है, ऐसी कभी बात पीजेंट करता ही नहीं था, पीजेंट ने कभी कहा ही नहीं कि मेरे नाम पे जमीने करो, उसके दिमाग इतना चलता ही नहीं था, छोटी सी बात दिमाग में लगाना। जब भी पीजेंट ने किया उन्होंने यही कहा कि हमारे ऊपर कर्ज मत करो, हमारे ऊपर बड़े बड़े जो है टैक्स मत लगाओ, ये कहा। और दूसरा कहा कि मेहरबानी करके अगर कुछ हम कमाते हैं तो उसका आधा हमें भी दे दो। तो आंसर इसमें जो है ना ये तीनों गलत ही हैं, ये दिखा ही नहीं रहा है, क्योंकि पीजेंट कभी कहेगा नहीं लिख के दे दो, पीजेंट ने कभी नहीं कहा जमींदारों को हटाओ, बाद में बोला पहले नहीं। मेन काम उनका था ये वाला कि भाई शेयर करो, आधा तुम खाओ आधा हम खाएंगे। इसका आंसर जो तब का पीजेंट मूवमेंट हुआ था उसका आंसर ए है। उन्होंने कहा था देखो रिडक्शन कर दो शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम वन हाफ टू क्रॉप टू वन थर्ड, वन हाफ था, वन हाफ मतलब 1/2 का कर देते थे 1/3 कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है, तो हम इसको हिस्सों में 1/3 करते हैं। 1/3 से क्या होगा कि हम लोगों का द क्रॉप टू वन थर्ड करने के बाद थोड़ा सा माल हमारे पास भी बचेगा, वरना क्या होता था कमाता तो पीजेंट था, सब कुछ करता पीजेंट था, और फिर बाद में लूटने के लिए जो है वो कौन आ जाते थे, अंग्रेज आ जाते थे और जमींदार हो जाते थे। ये समझ लेना जब भी पीजेंट ने ये कोई बात की होगी तो वो बेचारे अपने लिए इतना ज्यादा कुछ मांगते नहीं थे। इस मूवमेंट में भी ये पॉइंट की है ये याद रख लेना। फिर हम चलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। अब मुझे लगता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट आपने पढ़ा, 2013 का क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर से वापस 2011 में भी पूछा 2013 में भी पूछा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। हमें एक चीज और बता देता हूँ आपको, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको जब हम
स्टैंडर्ड बुक्स पे आ जाएंगे तो उस समय याद रखिएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसमें जो है ये पूछता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया था, क्यों किया, गांधी को क्यों करने के। अब लॉन्च तो गांधी ने किया है, लेड गांधी ने नहीं किया। तो क्या हुआ ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, आज से भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, हिंदुस्तानियों को ऑफर दिए गए, बहुत सारे ऑफर दिए गए। उन ऑफर में से पहला ऑफर कैबिनेट था, फिर क्रिप्स, ये ऑफर है तीनों, साइमन कमीशन रिपोर्ट, वेवल प्लान। लेकिन साइमन नहीं हो सकता, देखो साइमन इसलिए नहीं हो सकता कि साइमन 1927 में आया था, तो ये पहले ही निकल गया। अब बच्चे हमारे पास तीन, साइमन ऑफर तो था ही नहीं, ऑफर इनमें से तीन है, इसको भी ऑफर कहते हैं, इसको भी ऑफर कहते हैं, इसको भी ऑफर कहते हैं। क्या जो कैबिनेट मिशन आया था वो फेल हो गया, उसके कारण यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लागू करनी पड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर कॉपी में लिंक होगे कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, कभी नहीं, मुझे लगता है नहीं लगता है। क्या क्रिप्स ने कोई बात की उस समय, जो नाम आते हैं क्रिप्स या ये वगैरह, ये इसलिए आते हैं क्योंकि जो लोग उस समय लेके आते थे उन्हीं के नाम से रही। क्या वेवल प्लान, तो आपके पास तीन ऑप्शन है इन तीनों में, और ये तीनों ऑफर है, तीनों कुछ ना कुछ। लेकिन ये सवाल सिर्फ पूछ रहा है कि बताओ जी भारत छोड़ो आंदोलन के मूवमेंट को लेके कौन सा एक ऐसा आया था जिसने ये फ्लॉप कर दिया। तो आंसर इसका जो है, कैबिनेट मिशन जो है वो लेट आया, कैबिनेट मिशन जो है वो लेट आया। आप कैसे, तो इसका मतलब है ये आंसर मेरा कैसे निकल सकता था, आज मेरा काम होगा क्रोनोलॉजी निकालना, यानी पहले कौन आया, बाद में कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो खुद ही आंसर निकल जाता। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास मिशन आया था वो क्रिप्स मिशन आया था। तो क्रिप्स मिशन आया तो आंसर भाई क्रिप्स मिशन होगा, ये तो सिंपल है, दिमाग भी उतना क्या पड़ा। लेकिन आते आते जब ये आया और इसने जो उम्मीदें थी लोगों की, जो सोचा था कि क्रिप्स बहुत बड़ा स्टैटफोर्ड सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स कहा जाता है ऐसा, इसको ये आएगा और कुछ ना कुछ देखे जाएगा, तो गांधी जी ने इसको लेने से मना कर दिया और क्रिप्स प्रपोजल खत्म हो गया। और गांधी जी ने, अब याद रखिएगा पॉइंट क्या कह रहा है गांधी जी, दो बार मैं पढ़ा चुका हूँ क्विट इंडिया मूवमेंट ऊपर भी, अब ये नया तो इतना आंसर बन जाएगा आपका, क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए यहाँ पे, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो आंदोलन हुआ वो इसलिए हुआ था क्योंकि क्रिप्स का प्रपोजल फेल हो चुका था। आप इतना चार पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं। बाकी के जो है, साइमन तो 1927 में आया, वेवल उसके बाद लास्ट में आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, तो इसका मतलब है मुझे आज क्या करना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी में लिखना पड़ेगा, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, तीसरा चौथा, ताकि मुझे ये याद। दो मार्क्स यूं हाथ से उठा सकते हैं, ये सारा एनसीईआरटी का माल है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर से इस बार साइमन से सवाल आया, क्लास 10 से एनसीईआरटी से सवाल लिया गया है और 2013 में पूछा। कहता है कि लोगों ने साइमन के आते ही उसके खिलाफ हड़ताल कर दी। अब यहाँ पे लाला लजपत राय के बारे में भी मैंने पढ़ाया था कि उनको मार दिया गया, उनको लाठी लग गई। साइमन जो आया था वो 1919 के एक्ट का संशोधन करने के लिए आया था। साइमन जो थे वो 7 मेंबर थे, पूरी टीम जो है वो वाइट थी। पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया, एनसीईआरटी के हैं। लेकिन ये कहता है कि लोगों ने इसके खिलाफ क्यों बात की, क्या था सवाल। इसलिए किया, इंडिया नेवर वांटेड रिव्यू वर्किंग ऑफ द एक्ट, इंडिया नहीं चाहता था कि 1919 का एक्ट बदले। बाबा ऐसा कभी नहीं, हम तो चाहते थे वो बदले, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यों साइमन कमीशन यहाँ पे लोग क्यों साइमन कमीशन के खिलाफ हो गए, अगेंस्ट थे, तो हम क्या, हम तो चाहते थे 1919 का एक्ट। दूसरी चीज, साइमन कमीशन ने कहा था कि डायआरकी को खत्म करेंगे प्रोविंसेस में, ऐसा कोई मुझे लगा नहीं, अभी तक बात करते तो ये पॉइंट भी ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बात ये तो गलत ही है। साइमन कमीशन रिकमेंडेड प्रोविजन डायआरकी को हम तो चाहते थे। तीसरा, इसमें कोई भी मेंबर, देयर वाज नो इंडियन मेंबर, साइमन कमीशन में हिंदुस्तानियों का कोई भी आदमी नहीं था। तो आंसर बाया सी है, कि सच में हम इनके खिलाफ इसीलिए थे क्योंकि इन लोगों ने हमारे यहाँ पे आके हमारे ही ऊपर बात की, लेकिन हमारा कोई बंदा नहीं रखा जिसके ऊपर लाला लजपत राय को लाठी लगी। तो आंसर बड़ा ही सिंपल तरीके से सी निकलता है, और मैंने ये आपको पढ़ाया है। देखो सवाल आया है, और इसमें से डी नहीं हो सकता क्योंकि इसने पार्टीशन की बात नहीं की, पार्टीशन की बात तो बाद में माउंटबेटन प्लान ने की। अब देखो सवाल आया है 2013 में, कितना सिंपल सा है,
और ये एनसीईआरटी से जोड़ दिया गया है। उसके बाद अब बात करते हैं, ये तो कुछ थी जो सवाल आए थे क्रांति वगैरह, कुछ कभी कभी बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज होती हैं उनके बारे में सवाल पूछ देता है। महात्मा गांधी जी के बारे में सवाल पूछा, महात्मा गांधी जी का कहता है कि महात्मा गांधी ने कभी कहा था दैट सम ऑफ द डीपेस्ट कन्वेक्शन रिफ्लेक्ट इन बुक टाइटल, जो एक बुक उन्होंने लिखी थी अनटू दिस लास्ट इन द बुक ट्रांसलेटेड हिज लाइफ, बोलता है कि मैंने एक किताब जो उनकी उन्होंने पढ़ी थी अनटू दिस लास्ट, उसमें उनकी जिंदगी बदल के रह गई। वो किताब पढ़ने के बाद गांधी बदल गए, अनटू दिस लास्ट, ये किताब लिख लीजिएगा। अब आपको सवाल है एक और इसमें से, अब ये किसने लिखी है, ठीक है, फास्ट अनटू डेथ तो गांधी करते थे, ये अनटू दिस लास्ट है, तो ये गांधी ने पढ़ी, बोला मेरी जिंदगी बदल गई। व्हाट वाज द मैसेज, उसमें क्या ऐसा गांधी पढ़ लिए जो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। बड़ा सिंपल सा सवाल था, जब गांधी ने वो किताब पढ़ी, क्या गांधी ने ये किया इसलिए किताब बदली कि गांधी अपलिफ्टिंग द ऑप्रेसिड एंड पुअर इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन मैन, कहते हैं कि मैंने इस किताब में ये पढ़ा कि जो गरीब होता है उसको ऊपर करना है, जो मतलब पिछड़ी जाति के होते हैं, और गरीब जो होता है उसको भी ऊपर लाना है। पढ़ाई का असल मकसद यही है कि गरीबों और पिछड़ी जाति को मदद करना। क्या ये वो बात थी जिसको गांधी जी ने बदला, या द गॉड ऑफ इंडिविजुअल कंटेंटेड इन द गुड फॉर ऑल, या ये था कि जो मेरे लिए सही है द गुड ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो मैं अपने लिए सोच रहा हूँ कि मैं ये करूंगा, मैं ये बादशाह बनूंगा, ये करूंगा, या मैं अच्छे काम करूंगा, ये उसमें मुझे ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि मेरे लिए क्या फायदा हो रहा है, मुझे सबका फायदा देखना चाहिए। The good of individual, यानी अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो वो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने ये काम कर दिया, अभी COVID-19 के ऊपर भी ये बात हो सकती है, देखिए भाई तुमने खा लिया इसका ये मतलब नहीं है पूरी दुनिया ने खाया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम अगर खा रहे हो तो पूरी दुनिया ने खाया, वो चीज थी जिसको गांधी जी ने बदला ये पढ़ने के बाद। तीसरा, गांधी ये कहते हैं कि लाइफ ऑफ जो इंसान की है वो सेलिबेसी एंड स्पिरिचुअल प्रेसिडेंट एरर एसेंशियल फॉर द नॉबल लाइफ, बेहतर है कि सब छोड़ छाड़ जिंदगी बिताओ और वो साधु के टाइप की तरह हो जाओ, ये कहा था। या जो भी स्टेटमेंट ऊपर दी गई है सारी सही है, इसमें से तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती सी। दूसरी चीज, गांधी जी ने बात की है गरीबों को और ऊपर अमीरों को उठाने का ही एक एजुकेटेड मेन है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि ए और बी, सी तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर जो इसका है ना वो आंसर इसका बी है। गांधी हमेशा कहते थे जो अपने लिए अच्छा सोचो वो सबके लिए अच्छा सोचो, बी, गुड ऑफ इंडिविजुअल, उस किताब में लिखा था कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा होगा, तभी वो अच्छा है। तुम्हारे लिए खराब है तो पूरी दुनिया के लिए वो खराब है, फिर किसी के लिए नहीं। ऐसा चोरी करके ये यहाँ से भाग जाते हो तुम्हें लगता है कि तुम जी लिए, नहीं, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तुमने अपनी अच्छाई देखी लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की बुराई थी। बड़ा सिंपल सा आंसर था, दो मार्क क्यों उठा के ले सकता था इंसान। चले, उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको भी आ जाए लाइफ में। 2011 में गांधी जी के ऊपर यही इसमें आया, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जब हिंदुस्तान की यहाँ पे आजादी चल रही थी, उषा मेहता एक औरत थी, किस नाम चीज चीज के लिए जानी जाती थी। उषा मेहता बहुत बड़ा नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, लिख लो एक पॉइंट, याद रहेगा। इनका एक ही नाम आता है पूरे मतलब हिस्ट्री में, इनका एक ही ऐसा नाम है। उन्होंने एक रेडियो चलाया जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रही थी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे एक वो सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाती थी छुपके से, किसी को पता ही नहीं था वो कहाँ है। उन्होंने सेकंड राउंड टेबल पे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, कभी नहीं किया, गांधी जी के साथ कोई गया ही नहीं, सिर्फ सुभाष चंद्र अपनी सरोजिनी नायडू के बिना। उन्होंने लीड किया था इंडियन नेशनल आर्मी को, ऐसा हो ही नहीं सकता, लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने इंटरम गवर्नमेंट अंडर द पीटी जवाहरलाल नेहरू, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, उन्होंने कभी भी इंटरम गवर्नमेंट पास, इसका आंसर ए है, वो एक रेडियो चलाती थी जहां पे वो देशभक्ति गाने चलाती थी ताकि लोग एक हो, सिंपल आंसर है, हाथों हाथ निकल सकता था, इसका आंसर ए। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो किया था पीजेंट ऑफ खेड़ा के लिए 2011 एनसीईआरटी क्लास 10th में से ये क्वेश्चन लिया गया है, क्या रीजन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया पीजेंट्स खेड़ा पीजेंट्स, यानी कि जो वहां के गरीब लोग थे उनके
लिए गांधी ने क्यों एक ये किया था, असहयोग आंदोलन या वगैरह कह सकते हैं या रिप्रेजेंट सत्याग्रह, क्योंकि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ द ड्रॉट। वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पैसा कम ही नहीं कर रही थी क्योंकि वहां सूखा पड़ चुका था, फिर भी वो पैसा ले रहे थे, इसलिए किया। या एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात, या इन दोनों स्टेट में से आपको कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है, पहली या दूसरी? तो पहली तो सही सही है क्योंकि वहां पे सूखा पड़ गया, फिर भी वो बोलते थे भाई सूखा पड़े कुछ पड़े हमें तो माल चाहिए। याद करिए क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर टू आप जाके खोल के देखिएगा, ये एनसीईआरटी से लिया गया, तभी मैं आपको बोलता हूँ बाद में। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ गुजरात नहीं हुआ। द आंसर इज वन ओनली, टू ओनली, और बोथ वन एंड टू ओनली। अब सवाल यहाँ पे फंसता है, इफ द एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रपोज किया था इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात, गुजरात में भी परमानेंट सेटलमेंट होनी चाहिए, ये प्रपोज था, नीदर वन आर टू, द आंसर विल बी, आई होप कि आपके दिमाग में आंसर हो, लेकिन आंसर थोड़ी देर के बाद आएगा, तो आंसर विल बी ए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ए, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल होता है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ गुजरात नहीं था, तो पहला ही आंसर है, इतना सिंपल था, क्लास 10 की एनसीईआरटी से किया जा सकता है, आई होप आप देख लेते। आज दिखा रहा हूँ आपको कि आपके एनसीईआरटी के नोट्स जो आप बार बार मुझे बोलते रहते हो सर कितना 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 इतना 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 नहीं है, बस समझ दें। फिर ये बात करते हैं कि यार 2012 में इन्होंने सवाल पूछ दिया, 2012 में इन्होंने सवाल किया, सवाल था दादा भाई नरोजी, ये ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, ओल्ड मैन, ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है आईएनसी बनाने में, इसका बहुत बड़ा इन्होंने रोल प्ले किया है। कहते हैं कि दादा भाई नरोजी का सबसे बड़ा मुख्य काम क्या था जब वो हिंदुस्तान की नेशनल मूवमेंट में थे, तो उन्होंने क्या किया ऐसा? उन्होंने हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छा काम यह किया कि एक्सपोज किया ब्रिटिशर्स को कि ब्रिटिश किस तरीके से माल, इन्होंने एक बड़ी एक थ्योरी दी है, ये लिख लीजिएगा, ग्रेन एंड वेल्थ थ्योरी, बहुत मशहूर है, यानी किस तरीके से माल लूटा अंग्रेजों ने। उन्होंने एंशिएंट इंडियन टैक्स को रिस्टोर किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन, इंडियंस को ले ले और जो एंशिएंट टैक्स थी उनको फिर इंटरप्रेट किया, थोड़ा सा चेंज वगैरह किया। उन्होंने कहा था कि हमें नीड है एरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल जो है बिफोर एनीथिंग एल्स, पहले कुछ करने से पहले हमारे जो खुद के मसले हैं घर के उनको ठीक करना चाहिए। इनमें से कौन सी चीज सही है? तो पहली चीज तो सही सही है ही, क्योंकि वो पहले बंदे थे जिन्होंने 1-2, 1-2-3 और 1-3 ओनली और 1-2 and 3 द सोल्यूशन इज ए ओनली, ऐसी ये बात भी नहीं हुई, सिर्फ एक चीज उन्होंने बात की थी ए, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश का जो चेहरा था वो बाहर निकाला। उनका इतना टाइम था नहीं कि वो टैक्स के ऊपर बात करते या फिर बाकी चीजों के बारे में बात करते, तो वो पहले, इसीलिए उनको ग्रेट ओल्ड मैन का खिताब भी दिया गया, उनको जो है एम्बेसडर भी बनाया गया था दादा भाई नरोजी को, और आईएनसी के नाम रखने के पीछे भी उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें से कौन सी पार्टी जो है 2012 का बी आर अम्बेडकर के ऊपर सवाल आता है, इनमें से कौन सी पार्टी बी आर अम्बेडकर ने बनाई? तो आपको याद होगा कि पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, या ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सिलेक्टिव काउंसिल गिवन बिलो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इनमें से कौन सी? देखें पर्सनैलिटीज के ऊपर पूछता है हमने, अब मैं इंशाल्लाह मैंने लाला लाजपत राय बाकी पढ़वा दिया, अब मैं आपको बी आर अम्बेडकर की भी एक वीडियो बना के भेजूंगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भी मुझे स्किप हो गई, कल जो इस वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसके बाद, जैसे लाला लाजपत राय पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस पढ़ा, पीटी जवाहरलाल नेहरू पढ़ा बाकी, तो बी आर अम्बेडकर की एक जो है वीडियो मैं आपको बना के भेजूंगा, इसमें से कौन सी चीज है। तो आंसर जो है सिंपल था बी, तो बी में क्या है 2 and 3, दो पार्टियां उन्होंने बनाई है, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये लिख लो, ये दोनों पार्टी जो है बी आर अम्बेडकर की, ये पार्टी बिल्कुल नहीं है क्योंकि पीजेंट के साथ वो नहीं थे, वो डिप्रेसिड क्लास के साथ थे, तो इजी था, उतना टफ भी क्वेश्चन नहीं था। फिर ये गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि गांधी जी ने ना 1920 को क्लास 10 की एनसीईआरटी से सवाल लिया गया, हाँ गांधी जी ने ना फास्ट रखा था, यानी कि उन्होंने व्रत रख दिया 1932 में, मेनली बिकॉज क्यों रखा था, और कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा व्रत जो है वो, अनशन पे बैठे हुए थे, मैं अनशन रख रहा हूं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा,
रखा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। अरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई तो गांधी जी क्या अनशन रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंट ओपिनियन से ऐसा कुछ भी नहीं था। रैमसे मैकडोनल अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, तो सी, क्या रैमसे मैकडोनल ने? हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि उस समय बी आर अम्बेडकर जो थे वो कहीं ना कहीं गांधी से अलग होने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए 1932 को बोला जाता है पूना पैक्ट। तो क्या हुआ कि बी आर अम्बेडकर को अंग्रेजों ने एक ऑफर दिया जिसको रैमसे मैकडोनल ऑफर कहा जाता है कि तुम्हें एक ऑफर देंगे, तुम अलग लड़ो, तुम हिंदुस्तानियों से अलग हो जाओ। फिर गांधी ने अनशन किया, बोला नहीं मैं तुम्हें अलग नहीं होने दूंगा, इसलिए इसका आंसर सी है, तुम मेरे साथ रहोगे। और फिर उसके बाद 1932 के बाद बी आर अम्बेडकर कम्प्लीटली गांधी जी के साथ जुड़ गए, फिर कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक वीडियो इसके ऊपर मैं आपको बना के भेजूंगा। एनी बेसेंट 2013 का सवाल कहती है, एनी बेसेंट जो है वो एक्चुअली इश लेडी है, यहाँ की नहीं है, बाहर की है। ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की, पहली। लेकिन इंडिया की अगर पहली देखें तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट के बारे में 2013 में सवाल आया कि इसने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की। एक द फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी, ये फाउंडर है, और वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें से ये वाला पॉइंट सही है क्योंकि इसने बाल गंगाधर तिलक के साथ जो एनी बेसेंट ने शुरू किया, और ये प्रेसिडेंट भी थी आईएनसी की, सही है, ये भी आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी है। फाउंडर नहीं थी ये थियोसोफिकल सोसाइटी की, तो ये थी, लेकिन ये बॉल स्काई ने स्टार्ट की थी, उन्होंने स्टार्ट नहीं की। तो इसमें से वन और थ्री आंसर हमारा होना चाहिए, और वन एंड थ्री यानी कि सी आंसर इसका होगा। तो ये आपका आंसर हो गया सी। बड़ा सिंपल सा है, लॉजिक लगाना है, आंसर खुद ब खुद निकलना शुरू कर देंगे, आई होप। चले उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉलोनियल रूल से पूछे गए और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछे गए, काफी सारी चीजों से पूछे गए। जरा एक एक करके जो है क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश लोगों का आगे का जो आगमन हुआ, शुरुआत हुई, और किस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को अपने अंडर किया, ये सवाल जरा समझिएगा। ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको एनालिटिकल अप्रोच से किया गया है। ये कहता है कि जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे क्लास 8 एनसीईआरटी से ये सवाल लिया गया है, और चैप्टर नंबर जो आपका रहेगा वो चैप्टर नंबर 1, ठीक है, वहां से लिया गया है। अब ये कहता है कि जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पे आया तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने आप को यहाँ पे ज्यादा बढ़ाने के लिए अपनी यानी अपने आप को यहाँ पे स्थापित करने के लिए, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए, जैसे लॉर्ड कॉर्निवल्स ने 1793 में किया। क्या रीजन था, क्यों करना चाहते थे वो, किस चीज के लिए था वो, और लॉर्ड कार्निवल्स के ऊपर पूछा हुआ है। तो लॉर्ड कार्निवल्स ने क्या किया, सबसे पहले लॉर्ड कार्निवल्स ने मेकिंग द जमींदार पोजीशन स्ट्रॉन्गर और रोहित की, रोहित होते थे पीजन ने, लॉर्ड कार्निवल्स ने जमींदारों की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा ताकतवर कर दी। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ओवरलोड हो गया उनको ऑफ जमींदार का, यानी जमींदारों को उन्होंने मेन आदमी बनाया, बोला तुम टैक्स लाओ, तो वो उनके ओवरलोड हो गए। या तीसरा, उसने मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, उसने जुडिशियल सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया, ये लॉर्ड कार्निवल्स ने। तो मैं अगर देखूं ना, लॉर्ड कार्निवल्स ने कभी भी जमींदारों की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी, मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरलोड ऑफ जमींदार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। जमींदारों का लोड तो पड़ा ही नहीं ईस्ट इंडिया में, तो लूटने पे पड़ी थी। उसने जुडिशियल सिस्टम को बहुत एफिशिएंट किया, इस तीनों चीजों में से उसने कुछ नहीं किया, बकार सा बंदा था। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये डी आंसर है, नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं किया उसने, ना ए ना बी ना सी। तो इस बात से है क्योंकि वो जो करता था उसमें वो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा देखता था। क्वेश्चन में लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नुकसान हुआ, नहीं, लॉर्ड कार्निवल से उनको फायदा हुआ, तो इसमें तो डी था। आप क्लास 8 के एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, 2012 में सवाल आया था, 2012 में ये सवाल था, कंसीडर करें, सोचें आप
मतलब ये आपको सोचने के लिए कह रहा है कि जो लैंड थी यानी जो जमीन हिंदुस्तानियों के पास थी उसको एसेस यानी चेक करते थे वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉयल, उसकी क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स की उससे क्या उगेगा। सोचिएगा, ये फिर से एनसीईआरटी से पूछ रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही सवाल आया है बार बार फिर से। तो वो चेक करते थे, अच्छा ये जमीन है, इस जमीन से ये उगेगा, ये करते थे। यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, उन्होंने मोबाइल कैनन का इस्तेमाल किया जब भी जंग हुई। ऐसा था, उन्होंने यहाँ आके ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे टबैको और लाल मिर्ची का भी जो है उत्पादन किया। तो इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इंट्रोड्यूसड जो कई सही है, सॉल्यूशन डी है, इसमें से कोई नहीं है, नन नन। ये इसलिए लिख रहा है, ना वन है, ना बी है, ना सी है, ना डी इसमें क्या लिखा था, नन, इनमें से कौन सी चीज है। तो एक बात बता दूं, देखें असेसमेंट ऑफ रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स कभी नहीं हुआ। यूज ऑफ मोबाइल कैनन वॉरफेयर तो हुआ ही नहीं। कल्टीवेशन ऑफ टबैको और रेड चिली, अगर आप टबैको का देखोगे और रेड चिली, वो ज्यादातर ओपियम का उगाते थे, अफीम, कॉफी और उनके हो गया टी, ये सारी चीजें उनको चाहिए थी, और इंडिगो आपको याद होगा। तो ये चीजें तो चाहिए नहीं उन्होंने, उनको रेड चिली को क्या करना था। तो ये समझ में आता है कि ऐसी चीजें डाल देते हैं वो लोग कि आप परेशान हो गए। सॉयल की क्वालिटी का चेकअप हुआ ही नहीं, तो ये सारी चीजें थी ही नहीं, इसमें से तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं डी। एक और मैं आपको 2013 में इन्होंने बड़े आसान से सवाल डाले थे, इतना कोई टफ नहीं था। अगर पढ़ते आप पढ़ेंगे आप तो आई होप कि फाउंडेशन में भी आके काफी सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी और जो फाउंडेशन के पढ़ रहे हैं उनको क्लियर भी हुई होंगी। एल्बर्ट बिल जो है, एल्बर्ट बिल असल में क्या हुआ, बंगाल के लोगों ने जब पढ़ लिया, तो बंगाल के लोगों ने जब पढ़ा 1857 की क्रांति में उन्होंने कोई भी हिस्सेदारी नहीं दिखाई। 1857 की क्रांति में उन लोगों ने जब पढ़ लिया, फिर 1858 के बाद उन लोगों को लगा कि हमने तो क्रांति पढ़ लिख लिए, अब हमें बड़ी बड़ी जॉब्स मिल गई। तो उनको कोई वकील बन गया, कोई जज बन गया। तो जो जज बने तो उनको ये उम्मीद होगी कि अब तो हम लोग जज बन गए, अब हम अंग्रेजों के ऊपर भी जो है कोई कानून जो है लागू कर सकते हैं, उनके ऊपर उनका उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, जज अपना ऑर्डर सुना सकता है। तो ये बिल जो है, एक बिल डाली गई, इसको बोला जाता है एल्बर्ट बिल, जिसमें ये था कि हिंदुस्तान के जजों को भी मौका है कि वो अंग्रेजों में अगर कोई पाया जाता है तो उसको जेल दे सकते हैं। ये तो इस पे क्या था, इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडियन ऑफ सर्टन टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस, यानी ये इसलिए था कि हिंदुस्तानियों को कोई भी गन रखने की इजाजत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा था ही नहीं। एल्बर्ट बिल कुछ और थी, ये तो जजों के रिलेटेड थी। इसमें ये कहा गया था कि इम्पोजिशन न्यूज़पेपर मैगजीन नहीं करेंगे इंडियन लैंग्वेज में, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी कोई वर्ड इस्तेमाल ही नहीं हुआ। एल्बर्ट बिल तो सिर्फ जजों के रिगार्डिंग थी। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन इंडियन मैजिस्ट्रेट विद रिगार्ड ऑफ द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, ये वाला पॉइंट था कि रिमूवल कर देगा डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट, इंडियन मैजिस्ट्रेट यानी कि जो जज हुआ करते थे, मैजिस्ट्रेट होते थे, रिगार्ड ऑफ ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, रिमूवल कर दिया कि आपसे तुम नहीं सुना पाओगे। एल्बर्ट बिल ने, बिल जब ये बनी थी तो बिल में क्या हुआ था कि कहा गया था कि अंग्रेजों ने कहा था, एल्बर्ट ने कहा था, कंट्रोवर्सी जब मच गई, यार अंग्रेजों हिंदू इंडियंस लोगों को भी मौका मिलना चाहिए कि वो लोग भी ये अपना काम धंधा कर सकें, वो भी जज बनेंगे और सुनाएंगे। तो उन्होंने बोला ना बाबा ना, हिंदुस्तानी जज सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारा कोई अंग्रेज किसी काम में अगर फंसता है तो उसको सिर्फ अंग्रेजी जज ही जो है कानूनी कार्रवाई कर सकता है, यहाँ का हिंदुस्तानी कोई नहीं। तो इसका आंसर सी था, डी तो बिल्कुल भी नहीं था। तो आंसर इसका हम लिखेंगे ये सी। बस ये एनसीईआरटी में भी समझने की बात है, एक बार जब आप समझ जाएंगे चीजों को तो आपके हाथों से फटाफट ये आंसर ऐसे ही निकलेंगे, डरने की वाली बात नहीं है। अच्छा एक और सवाल सब पूछ लिया था, बड़ा इजी सा था ये, तो ऐसे लगता है कि बच्चों जैसे सवाल ये पूछते हैं, इतना टफ होता नहीं है, लेकिन अगर कोई की पॉइंट जो मैं बार बार टच करता रहता हूँ। ये कहते हैं कि जब कॉलोनियल यानी कि यहाँ पे हिंदुस्तान अंग्रेजों का राजतंत्र चल रहा था, तो औद्योगिकरण होने लगा था, तो उन्होंने जब थोड़ा अपना हिंदुस्तान को अपने अंडर कर दिया, तो होम चार्ज क्या होता है, कुछ होम चार्ज लगा दिए उन्होंने। होम मतलब घर, चार्ज मीन्स उसके ऊपर जो है किराया, रेंट, होम रेंट जैसा, और इंपोर्ट पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, और उन्होंने यहाँ से पैसा लूटना शुरू कर दिया। विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस, होम चार्जेस किसे कहा जाता है, अंग्रेजों होम चार्ज किसे बोला गया है। तो ये शब्द पूछा गया था, होम चार्ज क्या होता है।
ये वो फंड है जो सपोर्ट करता था इंडियन ऑफिस इन लंदन, जो हिंदुस्तान का ऑफिस खोला गया था, इंडिया का ऑफिस, इंडियन ऑफिस इन लंदन खोला गया था, याद करिएगा, ये भी खोला जाता था। फंड जो था होम ऑफिस, जो पैसा होता था, होम चार्जेस जो लगते थे, वो किस लिए खर्च करते थे कि हिंदुस्तान का जो ऑफिस लंदन में खोला गया उसके ऊपर ये फंड यूज किया जाता था। सैलरी और पेंशन दी जाती थी ब्रिटिश पर्सनल जो इंडिया में होते थे उनको, ये फंड यूज किया जाता था वॉर के लिए इंडिया में बाय द ब्रिटिश। तो इसमें से कौन सी चीज जो है सही है? तो अगर आप देखेंगे, अगर ये बड़ा इजी है, होम एक ही शब्द है, ये आपको याद रखना है, लिख के रखना है, होम चार्जेस क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए। तो ये बी है, बी मतलब वन एंड टू के लिए इस्तेमाल होता था, वन के लिए नहीं, बी। बी अब कौन सा हमारे पास है, यानी ये वाला वन एंड टू। फंड यूज किया जाता था इंडियन ऑफिस लंदन के लिए, और फंड यूज किया जाता था सैलरी और पेंशन जो ब्रिटिशर्स। तो इसके ऊपर गांधी जी ने बहुत बार जो है कोशिश भी की थी कि हटा दिया जाए, आपको याद होगा। ये वाला नहीं है, फंड वॉर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। होम चार्जेस जो हिंदुस्तानियों के ऊपर लगते थे, ये हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में एक ऑफिस खुला था उसके ऊपर, और ये सैलरीज दी जाती थी, पेंशन ब्रिटिश पर्सनल को, याद करिएगा। गांधी जी ने इसके खिलाफ बात भी की थी, यार बंदे आपके, ब्रिटिश आपकी, हम पैसा क्यों दे, ये हमारी चेंज से चलता है। तो होम चार्जेस याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। होम चार्जेस किसे कहा जाता है, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, टैक्स टाइप का हुआ करता था। इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ब्रह्मो समाज, मैंने पढ़ाया था ये, राजा राम मोहन राय के समय की बात कर रहा है, परसों परसों ही कंप्लीट हुआ है। इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, करेक्ट? ये कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, सही है, ब्रह्मो समाज हमेशा कहता था। ये कहते थे कि या प्रीस्टली क्लास जो है ना, उन्होंने जो किताबें थी असल की, सही किताबें थी धर्म की, उनको इन्होंने चेंज कर दिया और इसकी जरूरत भी नहीं है। इन्होंने कहा था कि डॉक्ट्राइन दैट वेदास आर इनफेलिबल, वेदास जरूरी नहीं है कि जो वेदास कहते हैं वो सारा सारा जो सुप्रीम है, यानी यही है और कुछ नहीं है। तो इसमें से कौन सी सही चीज आपको लगती है? तो अगर आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय ने इन सारी चीजों के बारे में बात की है, तो बी जो इसका आंसर है, वन एंड टू। थर्ड चीज है, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन दैट वेदास आर इनफेलिबल, यानी वेदा जो है सब कुछ है, ऑथेंटिक है। आप याद करिएगा, राजा राम मोहन राय ने एक बार जब कहा था, राजा राम मोहन राय, मैंने जब पढ़ाया था आपको, राजा राम मोहन राय ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कोई नया धर्म बनाऊंगा। ब्रह्मो समाज जो था, उन्होंने ये कहा था कि हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो लोगों ने ये मूर्ति पूजा और जो ये बड़े बड़े जो ब्राह्मण्स लोग हैं, इन्होंने अपने तरीके से वेदास ठीक है, लेकिन वेदास के अंदर जो इन्होंने खुद से लिखा है, या खुद चेंज करते हैं, या ट्रांसलेशन गलत करते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाली में फिर ट्रांसलेशन कर दी, और इट पॉपुलराइज्ड, इन्होंने कभी भी वेदास को पॉपुलराइज किया ही नहीं। इट पॉपुलराइज्ड डॉक्ट्राइन दैट वेदास आर इनफेलिबल, इतना नहीं कहते थे, पॉपुलराइज की इन्होंने बात ही नहीं की वेदास की। इन्होंने बाद में कहा कि वेदास ठीक है, लेकिन इतना नहीं है, ज्यादातर कहते थे वेस्टर्न, वेस्टर्न के बारे में इन्होंने ज्यादा बात की। याद करिएगा जब मैंने पढ़ाया था, ये कहते थे बॉटनी पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है, वो पढ़नी, वेदास का इन्होंने ये बोला कि वेदास में जो लिखा गया है, शास्त्र में जो लिखा गया वो सही है, लेकिन इन्होंने ज्यादा स्ट्रेस जो दिया था वो वेस्टर्न एजुकेशन को दिया था, ये सवाल था। आई होप आप ये कर लेते, ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है, ये मैंने पढ़ाया भी है। अब ये एक्ट के बारे में बात कर रहा है, एक्ट मैंने करवाया भी था आपको। कहता है कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल जो आजादी हुई, उसमें से कौन सी चीज नेहरू रिपोर्ट में लिखी थी? नेहरू रिपोर्ट याद करिएगा, ये सीआरदास मोतीलाल नेहरू के बारे में बात कर रहा है, जब मोतीलाल नेहरू को गांधी जी ने कहा था कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ब्रिकिन हेड ने कहा था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया कभी बात ही नहीं हुई, उन्होंने कहा नहीं, ज्वाइंट इलेक्टोरल फॉर रिजर्वेशन सीट फॉर माइनॉरिटीज हुई बात, बोला कि हम मिलकर लड़ेंगे, प्रोविजन फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। तो इसमें से कौन सी चीज है? तो इसमें से टू और थ्री सही है, बाकी आपको जो है वो बी वाला पॉइंट, बी मतलब टू एंड थ्री है, इसमें पूरी आजादी नहीं मांगी गई थी, होप आप ये लिख लेंगे। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस? सर विलियम वेडबर्न, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी सी कैनन सेट अप द इंडियन पार्लियामेंट कमेटी, बिठाई थी इन्होंने, वेडबर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 1893 की बात कर रहा है ये सवाल बड़े बड़े लोगों से नहीं निकल पाता उस समय, तो ये 2011 में है, ये एक कमेटी बिठाई गई थी सर विलियम वेडबर्न और डब्ल्यू सी कैनन ने, इंडियन पार्लियामेंट कमेटी बिठाई है, फिर माधव इंडियन पार्लियामेंटेरियन कमेटी बिठाई थी 1893 में, ये किस चीज के लिए बिठाई गई थी? इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म करना चाहते थे ये, यानी जो यहाँ का राजनीति है उसको बदलना चाहते थे, हाउस ऑफ कॉमन,
ये चाहते थे कि इंडिया जो है वो जुडिशियल सिस्टम में पार्टिसिपेट करे, ये कहते थे कि डिस्कशन होनी चाहिए इंडियन इंडिपेंडेंस ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये चाहते थे कि एंट्री होनी चाहिए इंडिया की ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इसमें आंसर ए है, इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म ऑफ हाउस ऑफ द कॉमन्स की बात की गई थी, याद कीजिएगा। वैसे अब ये सवाल बहुत लीनियंट हो चुका है, तो अब वैसे भी एक और है, ये क्लास 10 की एनसीईआरटी से लिया गया, चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है, रोलैक एक्ट इमिडेट। रोलैक एक्ट क्या कहता है, जो सर सिडनी रोलैक ने बनाया था, कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू द वॉर एफर्ट्स, कभी बात ही नहीं हुई, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के टाइम पे है, इम्प्रीवमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर द ट्रायल, ये था। जो दिखता है, जो बंदा आपको लगता है कि गड़बड़ कर रहा है उसको जेल में डालो, और नो वकील नो दलील वाला हिस्सा है। सप्रेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट 1922 तक गांधी जी के साथ चलती रही। इम्प्रिजनमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस हुआ, हम ये कह सकते हैं ये भी थी, लेकिन क्योंकि अगर इन्होंने पॉइंट 1, 2, 3, 4 में डाले होते तो ये पॉइंट भी आ जाता, क्योंकि वहां पे फ्रीडम को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन इसका आंसर सही में इस समय बी ही है, कि वहां पे इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल कर दिया जाता था, इंपॉर्टेंट यही लगता है। तो रोलैक एक्ट हमने पढ़ा हुआ है। लाहौर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1929, ये मैंने शायद जब पीटी जवाहरलाल नेहरू को पढ़ाया था आपको, पीटी जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैंने जब पढ़ाया तो उस समय भी मैंने बताया था, याद करिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, कांग्रेस पासेड रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यही वो सेशन है जिसमें बोला गया था कि आप पूर्ण स्वराज चाहिए, यही वो 1929 का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लड़ाई खड़ी हुई एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट की, गलत है, ये यहाँ पे हुआ ही नहीं, ये तो हुआ था याद करिएगा जब मैंने पढ़ाया था आपको 1905 का जो जब विभाजन हुआ था, फिर सूरत स्प्लिट हुआ, तो ये इसमें नहीं हुआ। रेजोल्यूशन वॉज फॉर रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी, बिल्कुल भी यहाँ टू नेशन थ्योरी की कोई बात हुई, अब ये सवाल है टू नेशन थ्योरी कब आई थी। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विच ऑफ द वन ओनली वन ओनली एंड ए, ए ही है, इसमें खाली एक बात हुई है, इसमें कोई और बात नहीं हुई थी, ठीक है। बड़े आसान से सवाल डालते हैं, समझ नहीं आता आप टफ क्यों लेते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्मेड, एक कॉन्फ्रेंस बनाई थी, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई गई, वट वॉज द रीजन फॉर इस फॉर्मेशन, क्यों बनाई गई सोशल कॉन्फ्रेंस, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, एक होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बनी है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, डिफरेंट सोशल ग्रुप ऑर्गेनाइज, बंगाल वाले जो है उन्होंने एक अलग से इंटरेस्ट था उनका, तो उन्होंने सोचा कि हम अलग से गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उन्होंने बंगालियों ने, ये था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वॉन्ट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म, तो इसीलिए जो है लोगों ने अलग कर दिया, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ नहीं हो रहा था। एम डी मालबरी एंड एम डी रनाटे जो है उन्होंने ये किया कि टुगेदर रिफॉर्म ग्रुप्स फॉर द कंट्री ऑन वन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें से कौन सी चीजें सही है कॉन्टेक्स्ट में, सो शुड बी नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें, द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द प्रोविंसेस वेयर, कौन कौन से प्रोविंसेस उस समय थे जब हमने इलेक्शन भी लड़ा था, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस, उनको कौन से लोग जिताते थे जो वहीं के होते थे, नॉमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग वाले जो इंडियन नेशनल, इलेक्टेड बाय प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको ये एक्ट के बारे में पूछा है, सिलेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ देयर एक्सपर्टीज ऑन दिस, सो सी आंसर इसका, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इनको जो है मौका देती थी। ये आपको एक्ट में पढ़ने हैं, जब आप कॉलेज इसमें पॉलिटी में पढ़ेंगे वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, क्यों किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन ट्रूप वेयर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वॉज एंडेड, ऐसा हुआ मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 1911 1905 में हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। किंग जॉर्ज वर्गोटेड कॉर्जन एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911, ऊपर सवाल फिर से पढ़ते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन 1905 लास्टेड अंटिल, कब तक चलता रहा, तो ये चलता रहा किंग जॉर्ज कर्जन एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911, गांधी जी लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिल्कुल नहीं, पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं, तो आंसर इसका बी है, बी मतलब टू, तो किंग जॉर्ज वी एब्रोगेट कर दिया उन्होंने कर्जन के एक्ट को 1911 में, जब हमारा यह 1929 का सेशन जो हुआ था, फिर से वापस आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बात कर मैं बार बार बोलता हूँ, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, बिकॉज इसमें क्या हुआ था, सेल्फ गवर्नमेंट वॉज डिक्लेयर, नहीं, पूर्ण स्वराज की बात की, फिर से ये क्वेश्चन देखें रिपीट हुआ है, दोबारा से आया है, तो इसका मतलब है अब जब भी ऐसे क्वेश्चन देखें बी देखें, फिर से वापस वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। गदर वाज, गदर एक पार्टी थी, ये हरदयाल ने बनाई थी, दीनदयाल हरदयाल ने, रेवोल्यूशनरी ऐसे इंडियन हेडक्वार्टर इनका कहाँ पे है, ये सैन फ्रांसिस्को में इनका हेडक्वार्टर है, ऑर्गेनाइज ऑपरेटिंग सिंगापुर, सिंगापुर से चलाते थे, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बर्लिन में था इनका या ताशकंद में था, तो इनका ए है, ठीक है, ये यहाँ पे इनका जो है सैन फ्रांसिस्को में इनका
दीनदयाल हरदयाल बैठे बैठे वहीं से चलाया करते थे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था तो समझे। 1858 का एक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, क्वीन विक्टोरिया क्या कहती है। क्वीन विक्टोरिया कहती है कि डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स, अब हम कोई भी हिंदुस्तान की जो जमीन है उसको ज्यादा एनेक्स नहीं करेंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन के अंडर चले जाएगी, ये हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर सकती है विद इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, तो इसमें से कौन सी चीज है यार वेरी है, ये ए है, वन एंड टू ओनली, दोनों चीजें दी थी, तीसरी चीज नहीं थी, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया भी है। रेडक्लिफ कमेटी जो है वो सबसे आखिर में आई थी, जब आजादी होने लगी तो इन्होंने जो वो लाइन मारी ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको रेडक्लिफ कमेटी भी कहते हैं, और रेडक्लिफ रेड ब्राउन रेड लाइन भी आज भी कहा जाता है। तो इसकी एक ही चीज है, सी है इसका आंसर सीधा, इसने बाउंड्री बनाई थी इंडिया और पाकिस्तान की, जो आज भी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही है। सो आई होप आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, आपने देखा कि किस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने ये भी देखा होगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब क्वेश्चन करना होता है, तो की पॉइंट हमें बहुत ज्यादा, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, नोट्स वैलिड तभी हैं आपके जब आपके की पॉइंट्स क्लियर हों। कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे नोट्स बनाने की जो हम बताते हैं। थैंक यू सो मच इस सेशन को देखने के लिए, आई होप आज को आपको बहुत मजा आया होगा क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए। जो जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंटली ऐड की हैं उनको फिर से देख के, फिर से वीडियो देख के उनको ऐड कर लीजिएगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।